जे महाराज जमीन ते बैठे होण सिखां नूं सतकार वजों टोआ पुट के ते नीवे होके बहिणा चाहीदा ते जे महाराज तख्त ने ओहदी हजूरी दे विच कोई दूजा तख्त लग जावे इह बड़े वड्डे गुनाह दी गल है। गुनाह नूं शब्दी रूप च बयान नहीं कीता जा सकदा। वेखो वेखी चर्च दी तर्ज दे उत्ते गुरु घरां दे विच एक एक दो दो कुर्सियां आईयां फिर वधदियां गईयां। कई गुरु घर ऐसे ने जिथे दस दस भी पंजाह पंजाह कुर्सियां पईयां ने। सो आपां सतगुरु सच्चे पातशाह दा बहाल सतकार जिहड़ा सतकार बहाल करन दे लई इह कुर्सियां मेरियां बाहर नहीं कढ़णियां। देखो जिहड़ा तख्त गुरु की हजूरी च लग गया वह ना किसी के वरतन योग रहा है, वह ना रखण योग रहा है। वो जे लोहा वा लोहा वा तो उन्हें पगला दौ, पगला के तो कित सुट दौ। जिहड़े जिहड़े गुरु घर कुर्सियां हैगियां ने वो आप कढ़न, सानू ना कढ़णियां पैण, आप कढ़ के भन के अग लाउण। जो ये किया बाबा जी की कमेटी ने जां संगत ने बहुत ही वधिया किया वा। तुसीं पहलां तों डकदे आ रहे सी इस गल नूं? इस गल नूं कहिंदे सी पर कोई सुणदा नहीं क्योंकि कमेटी भी सारी उस तरीके की ही। तो हुण जो कुछ करता भाई साहब ने बहुत ही वधिया किया। ये साडे मन की जिहड़ी सोच सी इस गल नूं वधिया उल्ट चल रहा सी काम ये मानदे हो? बिल्कुल उल्ट चलदा है जी। देखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज की हजूरी दे विच मैं कल भी बेनती की सी भी जे महाराज जमीन ते बैठे होण सिखां नूं सतकार वजों टोआ पुट के ते नीवे होके बहिणा चाहीदा ते जे महाराज तख्त ने ओहदी हजूरी दे विच कोई दूजा तख्त लग जावे इह बड़े वड्डे गुनाह की गल है। गुनाह नूं शब्दी रूप च बयान नहीं कीता जा सकदा। वेखो वेखी चर्च की तर्ज के उत्ते गुरु घरां दे विच एक एक दो दो कुर्सियां आईयां फिर वधदियां गईयां। कई गुरु घर ऐसे ने जिथे दस दस भी पंजाह पंजाह कुर्सियां पईयां ने। सो आपां सतगुरु सच्चे पातशाह दा बहाल सतकार जिहड़ा सतकार बहाल करन दे लई इह कुर्सियां मेरियां बाहर नहीं कढ़णियां। देखो जिहड़ा तख्त जिहड़ा सतकार बहाल करन दे लई इह कुर्सियां मेरियां बाहर नहीं कढ़णियां। देखो जिहड़ा तख्त गुरु की हजूरी च लग गया वह ना किसी के वरतन योग रहा है, वह ना रखण योग रहा है। वो जो लोहा वा लोहा वा तो उन्हें पगला दौ, पगला के तो कित सुट दौ। इतने ना पुलिस वाले पुछ रहे ऑफिशियल साहे हो बेशक सिखा का मसला वा, पुलिस का इस चीज़ को पूछने का कोई हक नहीं गा, सिखा का अपना मसला। वो यही कह रहे थे कि किसी गरीब को देन दे तुहाड़ा की मनना? नहीं देखो गरीब के घर च जाड़ा क्यों करवाना है? महाराज के हजूरी के विच तख्त रूप से लगियां कुर्सियां किसी गरीब के घर जाएगी अगे गरीबी होर उजाड़ा होजू। ये पुलिस वाले ने कहा भी कोई अपने घर ना लै जाए, ये मैंने सोचो थाने ला दोगे तो उत्थे भी नुकसान होगा अगे हो रहा प्रशासन का है तो होर होगा। सो ये करके जी पापी चीज़ हो जाए जिमें सरहंद सिखा ने मलिया मेट करता सी हुण वह भी कह सकता भी ये किसी को देन दे घर च के गरीबों नुकसान दे। इदा नहीं होंदा जदों गुरु साहब की जी बेअदबी होंदी है घोर उलंघना होंदी मर्यादा की उत्थे इहो जिहियां चीज़ां नूं संबोलिक तौर दे उत्ते तां तबाह कीता जांदा है भी अगे तो कोई कताही ना करे। नहीं तो कुर्सियां अज बाहर आईयां ने कोई गरीब तो इत्थे इकट्ठे हो ही जाने ने कुर्सियां लैण नूं पर आपां इह वी सोचिए आपां नूं दे की रहे हैं हक दे कमाई दा ही दान करना चाहिए है। तो यह तो पलीत होई चीज़ है जे लकड़ है तो लकड़ नूं अग ला दिओ उहदी अग सिकणी भी नहीं चाहिए। मैं कहिंदा इहदे नाल रोटी पक्के ना चुल्हा बले इहनूं अग ला के दूर कितें अग लाउणी चाहिए इहो जी चीज़ नूं। सो महाराज कृपा करन जिहड़े जिहड़े गुरु घरां दे विच कुर्सियां हैगियां ने वो आप कढ़न, सानू ना कढ़णियां पैण, आप कढ़ के भन के अग लाउण ये मर्यादा है। मेरा कहना है जी जो ये किया बाबा जी की कमेटी ने जां संगत ने बहुत ही वधिया किया वा। तुसीं पहलां तों डकदे आ रहे सी इस गल नूं? इस गल नूं कहिंदे सी पर कोई सुणदा नहीं क्योंकि कमेटी भी सारी उस तरीके की ही। तो हुण जो कुछ करता भाई साहब ने बहुत ही वधिया किया ये साडे मन की जिहड़ी सोच सी इस गल नूं सिखदे आ उल्ट चल रहा सी काम ये मानदे हो? बिल्कुल उल्ट चलदा है जी। ਜੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੜਕ ਤੇ ਖੜਕ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਇੱਡੀਆਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੇ